फोटो दिखाना चाहता हूँ, ये रहा मेरे पास फोटो जो आप डीएम देख रहे हैं। मैं यही बिल्कुल एलईडी पैनल बना रहा हूँ जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है, सभी दोस्तों का, सभी सब्सक्राइबर का। आज मैं आपसे बात करूँगा एलईडी पैनल के बारे में, जो कि मैंने इसका साइज रखा है, मैंने जो इसका साइज रखा है 7x7 का साइज रखा है, और मैंने इसको फर्श से 4 इंच ऊपर उठाया है, जो कि हमारी फ्लोर की स्टार्टिंग होती है 4 इंच की, उसके ऊपर रख रखा है। उसमें ये फायदा होगा कि आपको अगर आप सफाई करते हैं अपने फ्लोर की, या उसमें आप पोछा वगैरह लगाते हैं या उसकी धुलाई करते हैं, तो उसमें खराब नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि मैंने इसके नीचे कोई पाया वगैरह नहीं लगाया है, मैंने इसको दीवार पर फिक्स किया है, जो कि मैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ।
आइए शुरू करते हैं। फ्रेम देखेगा, आप देख रहे हैं जो उसकी ऊंचाई है 7 फुट ऊंचाई है, 84 इंची और चौड़ाई भी 7 फीट है। और अगर मैं इसकी टोटल गहराई की बात करूं, मैंने इसकी टोटल गहराई 16 इंच की रखी है, जो कि इस प्रकार है। अगर इसकी गहराई की बात करी जाए, स्लैब के आगे ऊपर की 16 इंच है और जो नीचे का हिस्सा है 15 इंच है इसका। और अगर इसकी बात करी जाए इस स्लैब की, हमारे जहां पर हमारी एलईडी रखी जाएगी, इसकी मैंने 13 इंच की गहराई रखी है। और जो नीचे दराज वगैरह का जो इसमें पल्ले का हिसाब देगा, इसकी 12 इंच की रखी है। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है वो यहाँ से वो मैंने 18 इंच रखी है। और अगर बात करी जाए इसके अंदर की चौड़ाई की, ये 4 फुट चौड़ाई है और इसी अनुसार 18 इंच की यहाँ से इसकी चौड़ाई है। ये टोटल कुल मिला के आपकी 7 फुट चौड़ाई होगी। और हम बात करते हैं इस स्लैब से ऊपर स्लैब तक की जो ऊंचाई रखी है हमने, वो 4.5 फीट रखी है। और अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूँ, यहाँ से नीचे की टक्कर जो ऊपर की टक्कर वो हमारी 2.5 फुट यानी कि 30 इंच है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें काउंटर की, मैंने इसकी ऊंचाई 24 इंच रखी है, यानी कि इसका इसका ऊंचाई का जो फर्क है हमारा 6 इंच का फर्क है। दूसरी बात, और अगर मैं इस स्लैब के ऊपर की बात करूं, मैंने जिसकी चौड़ाई रखी है वो 11 इंच की रखी है, यानी कि ये जो हमारे शोकेस बराबर साइज के, मैंने इसकी गहराई 12 इंच की रखी है और ऊपर लीजिए स्लैब की चौड़ाई 11 इंच की रखी है। इसमें हम इसी अनुसार 3 इसमें लाइट लगाएंगे और कोने पर हम इसमें यहाँ पर 20 सेंटर में यहाँ पर इसमें स्टड लगाएंगे। जो मैंने इसकी ऊंचाई 4 इंच रखी है, 4 इंच का स्टड लगाएंगे। और मैं आपसे बात करता हूँ इस शोकेस के बारे में, जो हमारी शोकेस है इसमें आपके 4 स्लैब आएंगे। इसमें हमने प्लेन शीशा देंगे, आप बाल्टी तरफ इधर भी शीशा लगाएंगे, फ्रंट पर भी शीशा है हमारा प्लेन, जो कि बहुत ही खूबसूरत शोकेस टाइप में बन जाएगा। मैं आपसे बात करता हूँ इस काउंटर की, जो हमने यहाँ पर इसमें इस अनुसार काम किया है। यहाँ पर हम इसमें 3 दराज लेंगे और नीचे की साइड हम इसमें यहाँ पर 3 पल्ले लेंगे, जो इन पल्लों में आपके शीशे आएंगे, वो भी शीशे आपके इसमें प्लेन होंगे। और बात करते हैं इधर की साइड की, यहाँ पर भी हमने जो इसमें दराज लिए 6 इंच की दराज लिए है, और इसमें यहाँ पर एक पल्ला है जो मैं बात करता हूँ आपसे, हम जो इस पर सनमाइका लगाएंगे PVC यानी कि ब्राउन कलर की सनमाइका लगाएंगे। और अगर मैं बात करूं इसके खर्चे की, इसमें लगभग आपका 30,000 रुपये के आसपास का खर्चा आ जाएगा। इसको दीवार पर सेटिंग किया, इसके लिए फिक्स किया है दीवार पर। और रही बात शोकेस के बनाने की, इसको आप किस प्रकार बनाएंगे वो मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है। इसमें आप बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपना ये पार्टीशन तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद आप इसमें पहले कटिंग कर लेते हैं, आपका कटिंग करने में कहीं ऐसा ना हो आपकी मेहनत सारी वेस्ट चली जाए और पूरा पीस खराब आ जाए। इसमें मैंने तरीका दिखाया कटिंग करने का, किस प्रकार कटिंग करते हैं। इसमें आप अपना पूरा बॉक्स तैयार कर लेंगे यानी कि सेटिंग कर लेंगे और दीवार पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आप इसकी कटिंग करेंगे उसी अनुसार जो कि मैंने आपको इसमें वीडियो में दिखाया, आप उसमें देख लेना। इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है कटिंग करने के लिए। अगर आप पहले कटिंग करते थे फिक्स करने से पहले, यानी कि इसमें आप जो है ढांचा ठोकते हैं उसमें इसका टूटने का डर रहता है, जो कि इस पट्टी की जो मैं चौड़ाई की बात करता हूँ आपसे, मैंने इसकी जो पट्टी की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है, इसमें आप बहुत सावधानी बरतनी है। फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी, जो कि मेरी अभी LED पैनल तैयार नहीं है क्योंकि अभी मार्केट बंद है, इसके अभी लेमिनेट नहीं मिल पाई। ये थोड़ा बहुत सामान मेरे पास रखा था और लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं मिल पा रहा है। मैं थोड़ा बहुत हमारे कर्ज में थोड़ा छूट दी गई है, जो कि 2-2.5 घंटे की छूट दी जाती है। सुबह के टाइम में उसमें अपना काम कर लेता हूँ साइड पर आकर, और उसके बाद फिर काम बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको छोटी छोटी जानकारियाँ समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक की दीदी इजाज़त। जय हिंद।